बच्चों होता क्या है? वेरी गुड सुहानी, सुहानी कहती मेरा फेवरेट चैप्टर है। बच्चों एक सर्कल होता है ना, और एंगल भी होता है। आनंद कह रहे मेरा भी फेवरेट है। बच्चे जैसे मैं इस एंगल की बात करूं, सपोज ये 40 डिग्री है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अब आप अपने एंगल को डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी, एक मेजरमेंट होती है, यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम ग्राम होते हैं, मीटर किलोमीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, अलग अलग यूनिट होती हैं मेजरमेंट की। इसी तरीके से जो आज तक आपने पढ़ी है वो है एंगल को मेजर करने की यूनिट डिग्री। अब एक यूनिट आपके सामने रेडियन भी है। तो डिग्री में कोई भी एंगल लिखा, कोई भी एंगल, कोई भी, अगर आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें सिर्फ पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई नहीं आई? देखो अब हम सीधी बात करेंगे, एग्जाम आप लोगों के पास में है तो बच्चे आप लोग समझ सकते हैं कि भाई चीजें थोड़ी सी क्या ना, थोड़ी सी जल्दी बतानी पड़ेगी। ये देखिए, तो अभी अभी हमने बताया कि डिग्री से अगर रेडियन बनाना हो तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे बच्चों? पाई बाय 180 की। और रेडियन से डिग्री बनाना हो तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 180 बाय पाई की। किसी को इसमें समस्या? तो जल्दी से, सबसे पहले जल्दी से आप लोग 30 डिग्री अपने कॉपी में काम करो, साथ साथ 45 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री और 270 डिग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। और जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो मुझे बताओ जल्दी से कि मुझसे ना हो पाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, पूंजी ध्वनि, जल्दी करो। क्या आप इन्हें रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैं चाहूंगा सबसे पहले द्वीप और श्रेयांश के आंसर मुझे लगातार चाहिए। द्वीप एंड श्रेयांश लगातार आंसर दें। बेटा पाई की वैल्यू के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं आपसे, आंसर पाई में ही छोड़ेंगे। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जैसे 30 डिग्री है ना बच्चों, पाई की कोई वैल्यू नहीं लेनी है आपको, आपको जो आंसर लाना है बच्चे वो पाई में ही लाना है। इज दैट क्लियर बच्चे? बहुत बढ़िया बेटा, कृष्णा श्रेयांश ध्वनि युगांश सुहानी जल्दी ली दूध ध्वनि करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट। पेन चलाओ, पेन चलाओ, सारे बच्चे पेन चलाओ। पेन चलेगा बात बनेगी, पेन चलेगा नंबर बनेंगे। मैंने बोला था श्रेयांश और द्वीप के आंसर चाहिए, तो इन दोनों के नहीं आ रहे, बाकी सब आंसर लिख रहे। सबके आंसर बढ़िया है, सबके परफेक्ट आंसर।
श्रेयांश अभी दूसरे पे ही पहुंचे हो तुम? थोड़ा तेज चलो बेटा, इसी साल करनी है ना 11th? बेटा इसी साल करनी है 11th? तो ये 5 साल नहीं आ रहा तुम्हारा एक भी? वसल गुड बेटा, सबके सबके आंसर बढ़िया है। या तुम देर लगा रहे हो पता है तुम्हें? बहुत बढ़िया श्रेयांश, 3 हो गए आपके। और चलाओ पेन। हो, वंशिका, अनंत, निहारिका, बेटा तुम्हारे आंसर भी नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? क्या निहारिका है यहाँ पर? आई जे के, हाँ निहारिका, ठीक है। द्वीप बेटा बहुत स्लो नहीं आ रहे आंसर? 2 आए तुम्हारे ऊपर के भी, 4 मैंने लिखे हुए। अरे बाकी सबके आंसर बढ़िया है कृष्णा, बहुत बढ़िया है। अरे अनंत बिल्कुल कॉपी का रखा है तुमने, करो पेस्ट, बहुत बढ़िया। कोमल बुद्धि राजा वंशिका, बेटा वंशिका आंसर गलत है, 3π/2 आएगा। बाकी सबके आंसर सही है, सुहानी, पूंजी, कृष्णा, सब सब जितने भी हैं, ध्वनि, रुद्र, वंशिका, ऑल ऑल। हाँ भी जल्दी देखो। हाँ भाई, मेरे हीरो श्रेयांश, चेक योर आंसर, हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जल्दी से ही बताओ। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर 270 का लिखा है बेटा, 3π/2, 3π/2 लिखा हुआ है बच्चे, देखो आपके सामने सारे लिखे। अच्छी बात है ना कोमल, अच्छा लग रहा होगा है ना, कितना अच्छा लगता है। कोमल ये कह रहे हैं कि सर इनको सॉल्व नहीं करना पड़ा, ये याद हो गए, बहुत अच्छी बात है बेटा। रिवीजन वालों को हमेशा बेनिफिट रहता है, मतलब अगर एक चैप्टर दूसरी बार आपके सामने आता है तो ये बात पक्की है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत हाई होता है, कि आपको लगता है हमने ये करा हुआ है, और इस वजह से आप लोग के लिए कंफर्ट जोन डेवलप हो जाती है। और ये रिवीजन चल रहा है या इस साल, मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सारे चैप्टर रिवाइज हुए। वाई इज रेडियन कन्वीनियंट 10 डिग्री बच्चे? हाँ दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। देखो बातों बातों में एक अच्छी बात निकल के आ गई। अनंती कह रहे हैं कि सर वाई इज रेडियन कन्वीनियंट 10 डिग्री? तो बेटा बात यह है, आप नंबर लाइन जानते हैं? नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन होती है, तो जो रियल नंबर्स होते हैं ना दे आर रेडियन। आप देख रहे हो इसमें डिग्री नहीं लिखा हुआ, इसमें हमें ऊपर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये होती है डिग्री और ये रियल नंबर्स होते हैं, तो हमने डिग्री को रियल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये होती है रेडियन मेजरमेंट, एंड दिस इज एक्चुअली लेंथ ऑफ आर्क। मैं आपको बताऊं, ये लेंथ ऑफ आर्क को बताता है। ज्यादा डिटेल में जाओगे, यस, इन यूनिट सर्कल, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो, इसकी वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई खास जरूरत नहीं थी। ओहो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, चलो ये डन हो गया। अब बच्चों बात ही आती है, श्रेयांश वेरी गुड बेटा, सर डिग्री किसने बनाई?
किसने बनाई तो एक सवाल थोड़ा मुश्किल ही हो गया। किसने बनाई तो मुझे याद नहीं है भाई किसने बनाई है। चलो खैर वट एवर वट एवर। अब बच्चों ये होता क्या है, अगर अगर ये हमारे पास में 30 डिग्री है सपोज, तो क्या क्या हमने ये 10 10 डिग्री बना लिए, यस और नो? अगर पूरा का पूरा 30 डिग्री था तो क्या ये हमारे 10 10 डिग्री हो गए होंगे? बताओ। और अगर मैं अब ये 5 5 हो गए होंगे, ठीक है, 5 डिग्री 5 डिग्री। और अगर मैं और इसके पार्ट्स कर दूं तो क्या ये 1 1 डिग्री हो गए होंगे? तो मान लो 1 डिग्री ये एंगल है, ठीक है। अब मैं इस 1 डिग्री में भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये 1/2 डिग्री हो गया होगा। ये 1/4 डिग्री हो गया होगा बीच में। तो मतलब 1 डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है। तो बच्चे जब 1 डिग्री, जब 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर दें अगर हम, तो एक पार्ट को हम 1 मिनट कहते हैं। तो डिग्री से मिनट बनाने के लिए 60 की मल्टीप्लाई होती है, साइन होता है बच्चे इसका ये 30 मिनट। जैसे डिग्री में 0 लगता है, इसमें एक डैश लग जाता है, और मिनट बनाने के लिए 1/60। ऐसे ही अगर 1 मिनट वाले एंगल को 60 पार्ट्स करें, एक पार्ट को हम 1 सेकेंड बोलते हैं। इसमें डबल डैश लगा देते हैं बच्चे। क्या आप लोगों की समझ में आई ये बात? और बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन ये है, 1/2 डिग्री में कितने मिनट, 1/3 डिग्री में कितने मिनट, 1/4 में कितने मिनट, 1/10 में कितने मिनट, और 1/6 में कितने मिनट निकाल। एक काम कर लेते हैं, इसमें हम सेकंड निकलवाते हैं, इसके इसमें सेकंड निकालो बात के तीन के। इसमें कितने सेकंड? ये मिनट, इनमें मिनट का पता लगाओ। पता लग जाएगा। श्याम कृष्णा द्वीप एंड ऑल, सबका बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट का आंसर 30 आया होगा, सेकंड का 20 आया होगा, फिर 15 आया होगा, फिर 6 आया होगा, फिर 10 आया होगा। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं आया?
इसके आपको बनाने हैं डिग्री। जरा एक चार्ट देख के देखो, 45 वाले को देखो श्रेयांश, कि 45 मिनट के आपको डिग्री बनाने हैं। तो डिग्री बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/60 से, तो 3/4 डिग्री आ जाएगा। एग्री? फॉर्मूले लिखे हुए हैं आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक रेवोल्यूशन एक चक्कर या एक सर्कल, रेडियन का क्या सिंबल होता है? तो बच्चे वैसे कुछ ना लगाओ वो भी रेडियन का सिंबल है, या छोटा सा सी लगा दो उसे भी रेडियन का सिंबल बोलते हैं। कुछ ना लगा होना रेडियन होता है और सी लगा होना भी रेडियन होता है। भाई एक व्हील घूमा 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 घूमता गया, तो एक रेवोल्यूशन का मतलब कितने डिग्री हो गया? क्या सबको पता चल रहा है 360 डिग्री हो गया? और अगर मैं रेडियन में देखूं, अभी पीछे हमने निकाला भी हुआ है, आप चेक कर सकते हो, तो रेडियन में कितना हो गया? 2π रेडियन हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? किसी को परेशानी? श्रेयांश द्वीप के मुझे रिप्लाई ज्यादा चाहिए। बहुत बढ़िया। उन्जी मिनट में बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक नई कहानी आती है बच्चों यहाँ पे। कहानी ये है, अगर आप एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन पता है ना कैसे घूमती है, अगर घड़ी को उल्टा घुमाना शुरू करो तो वह एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके एंगल पॉजिटिव बनते हैं, मतलब नॉर्मल एंगल बनते हैं। आप देख लो जैसे एंटी क्लॉकवाइज 180, एंटी क्लॉकवाइज 360, एंटी क्लॉकवाइज 270, इस पर अभी आएंगे। और जो क्लॉकवाइज होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। आप देख रहे हो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्लॉक की होती है, ये एंटी क्लॉक होती है, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉक ना होकर क्लॉक हुआ है, इसलिए ये एंगल माइनस का हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लॉकवाइज का मतलब होता है नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव एंगल। डू यू एग्री? किसी को परेशानी? अगर मैं आपसे कहता हूँ माइनस का 100 डिग्री बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने बना दिया। और देखो अगर मैं इसे क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं तो ये मेरा माइनस का 100 डिग्री गया। और बच्चों अगर मैं इसको ऐसे दिखाता तो ये प्लस का 100 होगा। प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, एंगल सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देखूं, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये माइनस का 90 है बच्चों, ऐसे देखूं तो ये माइनस का 180 है बच्चों। प्लस का 100 या 260, प्लस का 100 या 260, हाँ दोनों मिला के 360 है। और अगर ऐसे देखता मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 330, मतलब कहने का ये है 330 की माइनस 30 है।
लाइन रखते, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? सवाल समझ में आ रही है नहीं आ रही? माइनस 360 कैसे दिखाएंगे, श्रेयांश का सवाल आ रहा है भाई, माइनस का 360 कैसे दिखाएंगे? हमें नहीं आता कैसे दिखाएंगे। चलो देखो, ध्यान से देखना, माइनस का मतलब हो जाता है कि आपको एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्लॉक 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 360 हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्लॉक में है इसलिए इसे माइनस का 360 माना जाएगा, और इसी को जब ऐसे दिखाया तो ये प्लस का 360 माना गया, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बच्चे एंटी थी और यहाँ क्लॉक थी। बात समझ में आ गई? आगे समझ ठीक है। इसके बाद हम लोग एक काम और करते हैं बच्चों, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आसानी के लिए क्योंकि एंगल बहुत आएंगे, हम ऐसे बनाएंगे एंगल्स को। कैसे मतलब, भाई ये हो गया 90 तक, ये हो गया 180 तक, ये हो गया 270, ये हो गया 360, क्योंकि डायरेक्शन एंटी है इसलिए एंगल्स आपके सारे पॉजिटिव हैं। मानते हो, एग्री करते हो इस बात से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अगर मैं और आगे जाना चाहूं तो जा सकता हूं, तो 360 के बाद ये 370 हो गया, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460। अगर मैं यहां रुक जाऊं तो ये एंगल 460 का माना जाएगा। इसमें हुआ क्या है इनफैक्ट, कि आपका एंगल घुमा, पहले 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ, 360 हुआ, फिर 370, 80, 90, 450 हुआ, ये 460 हो गया। 100 डिग्री इन टू रोटेशन, सेकंड रोटेशन, ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात, 100 डिग्री इन सेकंड रोटेशन, ऐसे सोच सकते हो। लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन जरूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन बता रही है कि मेरा एंगल पॉजिटिव है और मेरा एंगल डिग्री में 460 है। समझ में आ गई बात? तो एंगल 360 से बड़े भी हो सकते हैं, एंगल 360 से बड़े भी हो सकते हैं, और एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब जीरो से छोटे भी हो सकते हैं। जीरो तो हो ही सकता है, जीरो से छोटे भी हो सकते हैं। ओके है ये बात? ये पहले तीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आप इन्हें रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे? करो। यस वंशिका, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होंगे और नेगेटिव होंगे तो इसके जीरो से छोटे होंगे। बिल्कुल निकालिए सारे बच्चे, हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे ये बताओ, क्या ये हो पा रहे हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, डन है ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसे बताते हैं आपको, मैं समझाऊंगा इस वाले को। हमारे पास एंगल है 47 डिग्री 30 मिनट। पहले छोटे वालों को कन्वर्ट करते हैं, क्या आप 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे बच्चों?
इस काम के लिए हमें अपॉन 60 करना पड़ेगा, तो यह आ गया 1/2 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? किसी बच्चे की समझ में ना आया हो तो बता दो। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 47 2 जा 94 होते हैं, प्लस 1 करें तो 95 हो जाते हैं, हमारे पास आ जाता है इतना। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सॉल्व करा, हमारा आंसर आया 45 डिग्री। इसमें आपने अभी अभी डिग्री मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करा, फर्स्ट स्टेप में मिक्स फ्रैक्शन, सेकंड में सिंप्लीफाई, थर्ड स्टेप रेडियन, फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन। पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करा गया था, ये थी मेन बात। डन है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं इसे कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले मैं 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा, आ गया। तो ये बन गया 121/3 डिग्री। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करी, सॉल्व हो नहीं रहा तो करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाता अच्छी बात, नहीं हो रहा तो भी अच्छी बात। समझ में आ गया रेडियन मेजरमेंट बच्चों, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? नेक्स्ट में देखते हैं, पहले थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे। आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप लोग देखिए जो पीछे बनाया था हमने, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए गलत कर दिया हमने, 180 बाई बिल्कुल उल्टा कर दिया, 180 बाई पाई की मल्टीपाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 180 कैंसिल और 210 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 300 डिग्री आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ में ना आया हो तो। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अब हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि अगर पाई बच जाए तो उसकी जगह 22/7 यूज कर लेना। इन्होंने बोला है इसलिए हम यूज करेंगे, अगर ये नहीं बोलते तो हम यूज नहीं करते। तो आपके पास ये बच्चों रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पाई कैंसिल होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको पाई कैंसिल होता दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने पाई की जगह 22/7 लिख दिया। अब हम देख सकते हैं 11 से 22 कैंसिल होगा, 16 और 180 भी कैंसिल होंगे। 4 से किया तो हमारे पास आया बिल्कुल 45 × 7 करेंगे ये हमारे पास रेडियन था, और अब हमारे पास डिग्री आ गया, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करते ही डिग्री हो जाता है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है या नहीं, सेकंड स्टेप क्लियर है या नहीं,
थर्ड स्टेप क्लियर है या नहीं बताओ भाई जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है या नहीं? अभी आगे भी करना है, हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को अब 315 को डिवाइड करना होगा 8 से। क्या आया? तो हमारे पास डिवाइड होकर कुछ बच गया बच्चों, कुछ बचा कि नहीं बचा? तो हम ये कह सकते हैं कंफर्म डेसिमल में आंसर नहीं छोड़ा जाएगा कभी भी बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी हमारा इतना आया है, यहां तो हो गया बच्चे। डिग्री के बाद हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सही कहा अश्वनी। तो कितना आ गया? 300 आ गया। अब 8 से 300 मिनट को डिवाइड करो, तो 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56, तो हमारे पास 4 डिग्री बच गया, वो मिनट बच गया, माय मिस्टेक। पहले डिग्री चल रहा था, अब मिनट बन गया। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चों? क्या मिनट के बाद कोई और ऑप्शन बचा? अब सेकंड पर चले, सेकंड पर चले तो आया 240। बच्चे बताओ कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, आराम से बताओ। ये डिवाइड यहां तक क्लियर थी, यहां तक क्लियर थी। जब डिग्री कम बचे तो उसको हमने मिनट में कन्वर्ट करा। डिग्री के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद सेकंड आता है, हमने मिनट में कन्वर्ट करा। मिनट 300 आ गए, फिर 300 को डिवाइड करा 8 3 जा करके, 60 बचा, से डिवाइड करा। अभी देखो आपके पास 240 आ गया है। अब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 3 जाएगा। 300 कैसे आए? 300 गलत लिख दिया मैंने ना। अच्छा इसलिए समझ में नहीं आ रहा ये। राइट। ठीक है, माय मिस्टेक। तो आया 180 मिनट। तो करते हैं इसको 8 2 जा, 8 2 जा, तो हमारे पास 4 बचे मिनट। क्या मिनट को आगे लेके जा सकते हैं? सेकंड्स में लेके चले सर, मिनट में नहीं छोड़ सकते। छोड़ तो आप शुरू में भी सकते हो बेटा, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको, आप शुरू में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, एक बच्चे को लगता है क्या शुरू में छोड़ सकते हो, बीच में छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। 0 लिया, नहीं जा रहा। कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहां तक तो करना ही है। फिर अब इसके आगे कुछ बच जाता तो फिर छोड़ सकते थे। तो हमारे पास आया ऐसा। क्वेश्चन खत्म है। ये डिवीजन भी दिखानी है आपको, बाकी सब जो लिखा हुआ है वो सब आपको शो करना है। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं अभी ऐसा। बच्चे यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो इसे नोट कर लो, आगे बढ़ सकते हैं फिर हम। आज नोट कर लिया है, रब कर दूं। तो उसे कब तक डिवाइड करना है? जब तक 0 ना आ जाए? नहीं, हम सेकंड में यहां तक दो प्लेस तक सेकंड तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम। 11th क्लास के बच्चे से ये कहा जाता है कि डिग्री में बात नहीं बन रही है तो मिनट में जाओ, मिनट में बात नहीं बन रही है तो सेकंड में जाओ, और सेकंड में भी 2 डिजिट पे ही रुकना पड़ेगा मैक्सिमम।
क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें रिपीटिशन हो रही हो मिनट या सेकंड में, तो रिपीटिशन नहीं, हमने कहा ना दो प्लेस के बाद हम रुक ही जाएंगे, दो प्लेस के बाद तो हम रुक ही जाएंगे। बच गया तो नहीं लिखेंगे उसे, नहीं लिखेंगे बेटा, अप्रोक्स लिखेंगे फिर अश्वनी हम। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं नेक्स्ट वाले को। भाई माइनस बताता है डायरेक्शन, माइनस बताता है बच्चों डायरेक्शन, और बात फोर की होगी, तो फोर रेडियन को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं डिग्री में, तो आया कुछ ऐसा, क्योंकि पाई कैंसिल नहीं हो रहा। भाई क्योंकि पाई कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए हमें 22/7 का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देखिए यहां से कितना आया, 360 आया, इंटू 7 आया, 11 आया, 0 आया, 4। अब ये हमारे पास डिग्री आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अभी चेक करके बताना पड़ेगा मुझे, तो हम क्या करेंगे, 2520 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो 11 2 22 आया, ठीक है, 11 2 22 आया हमारे पास, तो बचा कितना, 320। तो 11 2 फिर 22 आ रहा है, तो बचा 100। नेगेटिव का रोल बेटा मैंने लिखा हुआ है शायद ध्वनि डायरेक्शन बताने में, सर जो ये बताता है कि डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज लिखा है ना बेटे मैंने, कि नेगेटिव बताता है सिर्फ डायरेक्शन, कुछ नहीं है इसके अलावा, कोई रोल नहीं है। माइनस के एंगल का मतलब डायरेक्शन से, फाइनल में हम भी आगे माइनस लगा। अब देखो 11 से और डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 99 आया, बचा 1 डिग्री, डिग्री का काम खत्म। अब आगे अगर लेके चलें तो इसके मिनट बनाए, मिनट बनाए तो 60 आए, 11 5 55 आया, और 5 मिनट बच गया। अब 5 मिनट नहीं हो सकता आगे डिवाइड, तो सेकंड्स बनाए, जिसकी वजह से 300 सेकंड आए, तो 11 2 22 करा, 80 आया, गलत लिख दिया ना, ठीक है 80 आया, 11 7 77 किया, तो ये बच गया और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो अब हम लिखेंगे भाई ये माइनस का है, 229 है, और 5 डिग्री है, 27 मिनट है, और स्टिल इट इज अप्रोक्स है। क्या आप लोगों की बात समझ में आ गई है? फाइव मिनट है बच्चों, लिख दिया बेटा, लिख दिया। फाइव मिनट के आगे क्यों नहीं लिया, 5 मिनट के आगे, भाई 5 मिनट को आप 11 से डिवाइड कर पाते बताओ? नहीं, 3 डिजिट की कोई जरूरत नहीं है, 0 तो लगा ही नहीं सकते, 0 लगाने की फैसिलिटी डेसिमल में होती है हमेशा, और डेसिमल हम यहाँ यूज कर नहीं रहे। ठीक है, चलिए जनाब आगे बढ़ते हुए कदम कदम बढ़ाए जा। अगला क्वेश्चन सेम है, अपने आप करेंगे, स्वयं करेंगे, ठीक है? अभी 4 का करा है, ऐसे ही 6 का है, इसमें तो माइनस भी नहीं है, डन है ये, जल्दी करो आगे, एग्जाम्पल वैसे है। अच्छा, इसके बाद बच्चे एक नया फॉर्मूला आ रहा है आप लोगों के सामने,
उसे ध्यान पूर्वक सुने आप लोग। अगर सेशन स्टार्टिंग में पढ़ा होता तो इन सारी बातों के डेरिवेशन भी सिखाए गए थे, लेकिन इस वक्त नहीं होता समय हमारे पास। तो बच्चों आपके सामने एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और इसने ये एक आर्क बनाया हुआ है और इस आर्क की लेंथ एल है। इस आर्क की लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है। ऐसा एक फॉर्मूला आप लोगों ने टेंथ में भी पढ़ा था। अभी बताते हैं क्या ये। चलो सुनो पहले। तो बच्चों थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। अगर आप एल अपॉन आर करेंगे तो थीटा आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका रेडियन में आएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है जिसमें थीटा रेडियन में होता है, एल और आर सेंटीमीटर में ही होते हैं। सही बात, सही बात। डन है भाई? ये फॉर्मूला नोट करके रखना, बहुत यूज करने वाले हैं अभी हम। आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक क्वेश्चन है बच्चों। हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है जिसमें एंगल बन रहा है 60। बच्चों एंगल 60 बन रहा है, ठीक है? ठीक है, एंगल 60 बन गया और आर्क की लेंथ 37.4 सेंटीमीटर है। अश्विनी आंसर मुझे पता नहीं है बच्चे, कैलकुलेट करूंगा। और रेडियस इन्होंने पूछी है। बच्चों एक बात बताओ, क्या अभी अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें थीटा एल और आर तीनों काम में आते हैं? एल की वैल्यू दी हुई है 37.4, आर हमें निकालना है और थीटा हमारा 60 डिग्री है। नहीं, ये डिग्री है और हमें किसमें चाहिए बच्चों? थीटा रेडियन में। तो हमने ऐसा करके रेडियन बना लिया, तो ये बन गया पाई बाई थ्री इक्वल टू 37.4 अपॉन आर। ये फिगर हमारा फर्स्ट स्टेप माना जाएगा। सेकंड स्टेप ये फॉर्मूला यूज करा, थर्ड स्टेप में थीटा एल और आर लिखे, फोर्थ स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। आर की वैल्यू बच्चों जिसको भी दिक्कत हो स्पेसिफिक स्टेप बताए और अपना डाउट क्लियर कराए। अपॉन में बच्चों पाई आ रहा है, इन्होंने कहा है अगर पाई ना कटे तो पाई की जगह आप यूज कर सकते हो, पाई की जगह आप यूज कर सकते हो। लिखो मत लिखो, मैंने बोला था लिखो या मत लिखो, तो एक ही बात होती है बेटा। पाई की जगह 22/7 होगा, 11 से डिवाइड करा, 11 3 जा 11 4 जा और डिवाइड करा 1.7। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? आप बता सकते हैं। बच्चे बता रहे हैं कि इस कमिंग 35.7 सेंटीमीटर रेडियस। देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आज थका हुआ लग रहा है, मैं क्यों थका हुआ होता, मैं सेट हूँ बिल्कुल बढ़िया। बेटा जब चैप्टर रिवाइज कराना होता है तो मुझे कम इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल मैं बोर हो चुका हूँ उसे। मुझे रिवाइज कराने में बहुत बहुत ज्यादा मतलब बेकार फील होता है। जल्दी जल्दी से देख लो, ये 2-3 बच्चों की वजह से करानी पड़ रही है, वरना मैं इसे कभी ना कराता, कभी भी।
कल भी क्लास सेम टाइम पे, बिल्कुल हम संडे तक खत्म करेंगे इसे, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम चाहेंगे ही नहीं आगे चलेंगे, संडे को फ्री। चलिए आगे बढ़िए, अभी डेली क्लासेस, मैंने बोला ना सैटरडे को चाहे 2 बार पढ़ाना पड़े, संडे को 2 बार पढ़ाने पड़े, कैसे भी संडे इवनिंग हम कोर्स फिनिश है हमारा, कुछ भी करो संडे इवनिंग कोर्स फिनिश है, सिलेबस खत्म होने के बाद थोड़े टेस्ट होंगे, डाउट सेशन चलेंगे, कुछ सुपर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ये सब चलेगा, लेकिन कोर्स कंप्लीट है हमारा संडे को कैसे भी। सुनो यहाँ पर अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन लेता है 1 मिनट में, तो जो 360 रेवोल्यूशन लेता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन हैं 360, तो 60 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशंस हैं 360, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे। यूनिटरी मेथड भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो 6 रेवोल्यूशंस होंगे। आप ये बताओ 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितने डिग्री होता है 360, 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितने रेडियन होता है 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन का मतलब कितना होगा। तो ये कहते हैं कितना रेडियन एंगल आएगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन आए और एंगल हमारा रेडियन में आ गया। समझ में आई बात नहीं आई, यस नो यस नो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों पाई से फर्दर सॉल्व करेंगे, बच्चे अगर पाई की वैल्यू गिवन होगी तो जरूर करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। पाई जब तक गिवन नहीं होता तब तक पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जैसे इसमें गिवन है तो इसमें यूज करेंगे। गुड क्वेश्चन। एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल में कहते एंगल का पता लगाओ, वो भी डिग्री में, रेडियस 100 है और आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर है। बच्चों हम जानते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, ठीक है। तो हमारा जो थीटा आया बच्चों, हमारा जो थीटा आया वो 22/100 आ गया, बट ये आंसर किस में आया है बच्चों, ये रेडियन में आया कि नहीं आया, बताओ ये क्या आंसर रेडियन में आया है हमारा। अब अगर मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो रेडियन का डिग्री बनाने के लिए हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 180 अपॉन पाई की, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7, कैंसिल 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 कैंसिल, तो आप देख सकते हैं 63/5 डिग्री आ गया। क्या हम आंसर को ऐसे छोड़ेंगे या फर्दर सॉल्व करेंगे, भाई ऐसे छोड़ देंगे या फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, भाई डिग्री के बाद तो मिनट और सेकंड का सहारा भी है, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे बच्चों। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 63 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है।
हमारे पास 3 डिग्री बचे। डिग्री के क्या करेंगे बच्चों? अब मिनट बनाएंगे, जो आ गया 180 मिनट। ओ, कैंसिल हो गया पूरा। तो बच्चों हमारा आंसर, क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया है इसलिए ऐसा आ जाएगा। बताइए क्या ये सही है गलत है? क्या ये सही है या गलत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सारे तो नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी कल भी चलेगी क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल है हमारे पास, जिसकी जिसका डायमीटर 20 है और कॉर्ड भी 20। डायमीटर 40 है और कॉर्ड 20 है। बच्चों एक बात हम जानते हैं कि अगर डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर हो तो रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी। रेडियस 20 है, कॉर्ड भी 20 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा या नहीं? बताइए 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल, तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके है ये बात? अब हमें आर्क निकालना है। ये क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है बच्चों? फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। आप देखो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, लेकिन अगर पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई कर दी तो अब ये रेडियन हो गया। एल हमें निकालना है, आर हमारे पास है, और पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम लगाएंगे नहीं। यही हमारा आंसर है बच्चों। ओके बताओ भाई, ओके है कि नॉट ओके है? ऐसे कैसे मतलब? अरे जब पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम पाई की वैल्यू निकालेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं मतलब। हाँ तो पाई भी तो नंबर है, क्या आप बता, रूट नंबर है, पाई नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या दिक्कत है? ठीक है तुम्हें बताओ वैल्यू कितनी पता है, बताना जरा कितनी है पाई की वैल्यू, बताना बताओ। किसने कहा तुमसे ये आज तक? ये इरेशनल नंबर, मैंने तो आज तक नहीं कहा। ये पाई इरेशनल नंबर है और 22 बाई रैशनल नंबर है। आप ये बता सकते हो कभी कि इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है कभी? श्रेयांश चतुराई दिखा रहे हैं, कह रहे नहीं 3.14 है। बेटा 3.14 भी तो रैशनल नंबर है। क्या रैशनल नंबर कभी इरेशनल के इक्वल हो सकता है? 3.14 नहीं कहा, 22/7 तो सब कहते। कहने से क्या होता है, कुछ भी कह दो। आप खुद बताओ सोच के, आप समझदार हो कि पाई की वैल्यू 22/7 हो सकती है कभी? क्या एक इरेशनल नंबर कभी रैशनल के इक्वल हो सकता है? अक्षत अभी भी ये इरेशनल है या रैशनल है आप बताओ? तो बेटा पाई की 22 इरेशनल है। तुम गधे हो भाई कुछ। क्या होती है रैशनल? इरेशनल का मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में है और नीचे जीरो नहीं है, तो ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? ये किसने बताया तुम्हें आज तक भाई? तुम कर क्या रहे हो? 22/7 इरेशनल लगता है आपको? जो भी अपॉन में होता है वो रैशनल होता है, यस और नो? तब भी तो कृष्णा हम कहते हैं बेटा अगर पाई की वैल्यू दे रखी है तो
हम लगाएंगे, अदरवाइज पाई इज गुड आंसर। ठीक है चलो, बहुत बहुत तुमने खून पी लिया, भागो।